हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, मैं हूँ शिवांगी और स्वागत है आपका मेरे आज के वीडियो में। तो भाई, आज का वीडियो ना थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज हॉल और मैं आपको दिखाने वाली हूँ 7 हैंडबैग्स इस वीडियो में, जिसमें से 6 बड़े ऑफिस बैग्स हैं और एक छोटू सा बैग है। तो बेसिकली ऑफिस बैग्स मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री छोटू सा बैग मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो 7 बैग्स मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, सब अलग अलग रेंज के हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ₹450। एंड बिकॉज आज बहुत सारे बैग्स दिखाने हैं, सो लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इन टू द वीडियो और हम शुरू करेंगे सबसे सस्ते बैग से। सो द फर्स्ट बैग इज दिस बेसिक ब्लैक बैग। सिर्फ 450 रुपये का मैंने ये बैग लिया था एंड द क्वालिटी इज सो नाइस, आई रियली कुडंट बिलीव इट। मुझे लगा था इतना सस्ता बैग है तो बहुत घटिया क्वालिटी का रेगजीन होगा, स्टिचिंग भी गंदी होगी, बट आप देख सकते हो यहाँ पर स्टिचिंग, देखो इनकी स्टिचिंग कितनी ज़्यादा फाइन है और ये जो रेगजीन की क्वालिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बेल्ट देख लो आप, बेल्ट में भी आपको कहीं कोई धागा ऐसा निकला हुआ नहीं दिखेगा जो कि सस्ते बैग्स में हमें दिखता है। इतना स्पेशियस है, आप देखो इसमें 3 कंपार्टमेंट्स हैं। एक तो ये है, इसमें यहाँ पर ये टच बटन लगा हुआ है, ठीक है, एंड देन सेंटर में एक बड़ी सी जिपर पॉकेट एंड देन वापस एक टच बटन वाली पॉकेट। तो इसमें 3 बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स हैं जो कि ऑफिस गोइंग लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको बहुत सारी चीज़ें रख के ले जानी होती हैं। किसी को फाइल्स ले जानी होती है, किसी को लैपटॉप, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली हमें ले जानी होती हैं। दिस इज़ अ वेरी स्पेशियस बैग एंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इट्स नाइस, इट्स प्रीटी डिसेंट। रेट के हिसाब से 450 रुपये में ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो फिनिशिंग इज ऑल्सो सो नाइस कि आपको इसको देख के लगेगा नहीं कि ये इतना 450 रुपये का बैग है। एंड इट लुक्स रियली नाइस विद योर इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न आउटफिट्स। सूट के साथ भी कैरी कर सकते हो। इनफैक्ट मैं ये बैग अपनी साड़ी के साथ भी बहुत बार लेके जाती हूँ जब मुझे ज़्यादा सामान ले जाना होता है। तो ये काफ़ी बेसिक है लेकिन वर्सेटाइल सा बैग है, आप इसको किसी भी तरह के आउटफिट के साथ लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस ब्यूटिफुल टैन ब्राउन बैग। इसका जो मटीरियल है ना, ओ माई गॉड, आप देखो कितनी शाइन है इसके मटीरियल में एंड द क्वालिटी इज सो गुड। आई हैव बीन यूजिंग दिस बैग फॉर अ वाइल नाउ एंड अभी तक मुझे इसमें कोई कंप्लेंट नहीं मिली है किसी भी तरह की। इसमें 2 ये इस तरह के छोटे हैंडल्स हैं एंड प्लस 1 ये बड़ा हैंडल भी है। अगर आपको बड़े हैंडल से उठाना है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी 3 कंपार्टमेंट्स हैं और तीनों में इसमें जिपर लगा हुआ है। स्पेशियस बहुत ज़्यादा है, मैं दिखाती हूँ आपको। सी, दिस इज़ द फर्स्ट कंपार्टमेंट, दिस इज़ द मिडिल एंड द बिगेस्ट कंपार्टमेंट और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जिप भी यहाँ पे दी हुई है फॉर योर मनी, योर कार्ड्स या फिर चाबियाँ, कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए। एंड देन दिस इज़ द थर्ड कंपार्टमेंट। तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस ये बैग है। ये भी सिर्फ 450 रुपये का लिया है मैंने एंड जस्ट लुक एट दिस स्पेस, इतना सारा सामान आप इसमें ऑफिस का रख सकते हैं एंड प्लस 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं तो आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। आप अलग अलग सामान अलग अलग पॉकेट्स में रख सकते हैं अच्छे से एंड एट दिस प्राइस रेंज, ट्रस्ट मी दिस इज अ स्टील डील। अगर आप कोई सस्ता, अफोर्डेबल और अच्छा ऑफिस बैग ढूंढ रहे हो, दिस इज डेफिनेटली अ गो टू वन, आप इसको पक्का खरीद सकते हो। आई रियली लव दिस बैग एंड द कलर इज ऑल्सो सो स्टाइलिश, प्रिटी एंड अ रिच कलर एंड इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है। अगेन दिस कैन बी टेकन विद योर वेस्टर्न एज वेल एज इंडियन आउटफिट्स। सो या, दिस वॉज द सेकेंड वन। नेक्स्ट इज दिस टोट बैग। अब आई एम नॉट रियली श्योर कि ऑफिस ले जाने के लिए टोट बैग्स कितने कम्फर्टेबल होते हैं बिकॉज मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ, आई वर्क फ्रॉम होम ओनली। दिस इज अ वेरी नाइस टोट बैग। नॉर्मली आई डोंट लाइक टोट बैग्स बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैग गिरा तो आपका सारा सामान फैल जाएगा, बट ये जो टोट बैग है इसके अंदर यहाँ पर टच बटन है इस तरह से, तो दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज। आप देखो अगर आपका ये बैग कहीं पर लुढ़क भी जाता है, मेट्रो में, टैक्सी में, कहीं पर भी, तो इसमें से सामान गिरेगा नहीं, ये अच्छे से क्लोज्ड है। एक ही बटन है इसमें ये, बट इट्स प्रीटी टाइट एंड दिस बैग इज प्रॉपरली क्लोज्ड, तो आपका सामान इसमें से नहीं गिरेगा। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड डेली ऑब्जेक्ट्स एंड उसके बैग्स काफ़ी अच्छे होते हैं। आई हैव बीन यूजिंग दिस ब्रांड काफ़ी टाइम से एंड दिस इज़ अ कैनवस बैग। आप इसके कलर डिज़ाइन देखो, कितना प्यारा इसका कलर डिज़ाइन है। दिस विल गो विद ऑल काइंड ऑफ योर आउटफिट्स बिकॉज
दिस विल गो विद ऑलमोस्ट एवरी कलर, क्योंकि ऑफिस में हम लोग नॉर्मली बेसिक कलर्स ही पहनते हैं, आप बहुत चटाक कलर्स नहीं पहन के जाते हो. सो ये सारे बेसिक और न्यूट्रल कलर्स के साथ बहुत अच्छा जाएगा. वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, सबके साथ ये बैग काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा. क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो दिस कैनवस इज़ सो नाइस. आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, इसके बटन्स की फिनिशिंग, इसके लेबल की फिनिशिंग, स्टिचिंग आप देखो वेरी वेरी नाइस. भी आप देखो एकदम बढ़िया से स्टिचिंग है, कहीं से कुछ धागा वागा इसका निकल नहीं रहा. स्पेस मैं आपको दिखाती हूँ इसका, एक ही कंपार्टमेंट है इसमें, अलग अलग नहीं है. इतना स्पेस इसमें है कि लैपटॉप तो नहीं बट आप टैबलेट बहुत अच्छे से इसमें रख सकते हो, अपना टिफ़िन बॉक्स, अपनी वाटर बॉटल, डायरी, पेपर्स वगैरह रख सकते हो. एंड अगर आप ऑफिस नहीं जाते हो तो ये बैग शॉपिंग के हिसाब से भी बहुत सही है, रेगुलर यूज़ में भी लेके जा सकते हो. आप नॉर्मल ऐसे छोटी मोटी शॉपिंग के लिए गए हो तब भी इस बैग को लेके जा सकते हो. इसमें ये जो मेन एक कंपार्टमेंट है, उसके अलावा यहाँ पर एक छोटी जिप दी हुई, यहाँ पर एक छोटी पॉकेट दी हुई है इन्होंने जिपर के साथ फॉर योर वैल्यूएबल्स. सो दिस मच स्पेस इट हैज़ एंड आई रियली लाइक इट बिकॉज मुझे इसका स्टाइल पसंद है, मुझे इस तरह के लंबे बैग्स भी पसंद आते हैं. सो ओवरऑल आई रियली लाइक दिस बैग. आई एम नॉट रियली श्योर इफ इट इज़ ऑफिस अप्रोप्रिएट और नॉट, बट आई लाइक दिस वन. नेक्स्ट इज दिस वन. नाउ दिस ज़ूक बैग वॉज इन माई विश लिस्ट फॉर सो लॉन्ग. मैं कब से ये ख़रीदना चाह रही थी बट मुझे लग रहा था कि इतने सारे बैग्स ऑलरेडी हैं, क्या करूँगी एक और बैग का. लेकिन वो होता है ना, औरतों का दिमाग एक जगह अटक जाता है. एंड मैं जब भी बाहर किसी भी लेडी के हाथ में ये वाला बैग देखती थी तो मुझे हमेशा लगता था कि मैंने अभी तक क्यों नहीं ख़रीदा ये बैग. सो नाउ फाइनली मैंने ये बैग खरीद लिया है. सो दिस ब्रांड ज़ूक हैज़ रिसेंटली गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी इन द मार्केट. एंड द रीज़न इज़ कि इनके जो ये बैग हैं ये वीगन लेदर के होते हैं, इसमें लेदर यूज़ नहीं होता है, बट इनका जो लुक होता है वो काफ़ी कुछ लेदर बैग जैसा होता है. लुक एट दिस बैग, हाउ ब्यूटिफुल, क्लासी, स्टनिंग दिस बैग इज. कलर, द डिज़ाइन, द प्रिंट, द क्वालिटी, एवरीथिंग इज जस्ट टॉप नॉच. आई गॉट दिस बैग फॉर ₹1300 एंड ट्रस्ट मी इट्स टोटली वर्थ इट बिकॉज दिस इज अ वेरी नाइस, क्लासी एंड यूजफुल बैग. मैं खोल के आपको दिखाती हूँ. बाहर से तो आपने देख लिया इस तरह का इसका डिज़ाइन है, नीचे से ये ब्राउन है. स्पेस आप देखना इसकी, ये देखो, आई जस्ट रिमूव द पेपर्स. ये देखो इसकी स्पेस, ओ माई गॉड, दिस इज सच अ बिग बैग. इसमें एक डेडिकेटेड पॉकेट दिया हुआ है, इसमें एक डेडिकेटेड पॉकेट दिया हुआ है लैपटॉप के लिए विद दिस बेल्ट. आप बस लैपटॉप डालो और इसमें आप को वेलक्रो से बंद कर दो एंड योर लैपटॉप इज सेफ. उसके अलावा भी आप देखो इसमें कितनी स्पेस है, दो पॉकेट्स यहाँ पे दी हुई हैं, लैपटॉप साइड में आ जाएगा. उसके अलावा भी इसमें इतनी सारी स्पेस है कि आप घर का आधा सामान भर के ले जाओ ऑफिस. एंड भाई ये वाला बैग भी ना साड़ी, सूट, जीन्स, ट्राउजर्स सब के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. ट्राउजर्स पहने हो, कुर्ती जीन्स पहना हो, सूट पहना हो, साड़ी पहनी हो, सब चीज़ के साथ ये बैग बहुत अच्छा लगता है. एंड इफ़ यू आर नॉट एन ऑफिस गोइंग लेडी तब भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है बिकॉज ट्रैवलिंग में भी ये बैग बहुत काम आएगा. इतना बड़ा बैग है, प्लस इसका जो मटेरियल है, इसका जो डिज़ाइन है, ये जल्दी गंदा भी नहीं होगा, इसको क्लीन करना भी ईजी है. सो इसकी तो मैं तारीफ करती रह सकती हूँ इस बैग की, बट वीडियो भी ख़त्म करना है. सो आई विल जस्ट कीप इट असाइड एंड टेक आउट द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट इज दिस मिराजियो का हैंड बैग. अगेन दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बैग्स. ये एक बहुत ही क्लासी बैग है. दिस इज एक्चुअली प्रीटी एक्सपेंसिव. आई गॉट इट फॉर ₹3500 आई गेस. एंड इट्स टोटली वर्थ इट एक्चुअली बिकॉज आप देखो इसका लुक देखो, बहुत ही क्लासी एंड एलिगेंट डिज़ाइन है. इस बैग को लेके आप जब किसी मीटिंग में जाओगे तो आपका रुतबा ही अलग दिखेगा एकदम, बिकॉज दिस इज़ अ टिपिकल ऑफिस बैग. इसका जो मटीरियल है, इसका जो डिज़ाइन है, दिस इज एब्सोल्यूटली लाइक ऑफिस परफेक्ट. खोल के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशियस बैग. अगेन इसके अंदर भी आप अपना लैपटॉप रख के जा सकते हो. यहाँ पे ही लैपटॉप की पॉकेट अलग से दी है, उसके अंदर एक और पॉकेट दी हुई है. लाइनिंग क्वालिटी आप देखो एज पर द प्राइस इज सो गुड. आई थिंक जो पैसे होते हैं किसी भी चीज़ के वो क्वालिटी के ही होते हैं, तो इसकी क्वालिटी उन सारे बैग से बहुत ज़्यादा अच्छी है, नो डाउट. बट अगेन दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि हर कोई ₹3500 का बैग ऑफिस के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं हर रेंज के बैग्स लेके आई हूँ. सो या, दिस इज़ द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज़ दिस प्योर लेदर बैग फ्रॉम हाई डिज़ाइन.
Now this design is not very unique, what not very new, but this is an evergreen kind of a design. बहुत time से, बहुत सालों से हम ये design देखते आ रहे हैं, but it's still too much in trend. बहुत classy bag ये लगता है, high design का bag है, तो material के बारे में तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. इनके तो material, इनकी quality, इनके belt, buckles, zips, सब कुछ एकदम टॉप नॉच होते हैं, उसके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. लुक आप देख लो, इस तरह से है. एंड इसमें भी ये देखने में छोटा लग रहा है बैग, लेकिन इसमें काफ़ी सामान आ जाता है. हाँ, लैपटॉप नहीं आएगा इसमें, बट हर कोई ऑफिस में लैपटॉप लेके भी नहीं जाता है, सो आई थिंक इट्स फाइन. सो एक इसमें ये बाहर पॉकेट है टू कीप दी रेगुलर स्टफ जो आपको जल्दी में निकालना हो, खुले पैसे हैं, चाबी हैं, मेट्रो का कार्ड है, कुछ उस तरह की चीज़ें जो आपको जल्दी निकालनी हो, इजीली एक्सेसिबल चाहिए, उसके लिए ये पॉकेट है. सर कार्ड का स्लॉट भी बना हुआ है और एक और पॉकेट दी हुई है, तो आप आराम से अपनी चीज़ें सेग्रीगेट करके रख सकते हो. मेन पॉकेट है इसकी, ये काफ़ी बड़ी पॉकेट है. आप देखो इसमें भी अलग से कंपार्टमेंट यहाँ बना हुआ है, प्लस जिपर भी दिया हुआ है, इधर सेंटर में भी एक जिपर दिया हुआ है. तो बहुत अलग अलग कंपार्टमेंट्स इसमें बने हुए हैं, तो ऑफिस यूज़ के लिए ये भी बहुत अच्छा है. इसमें लैपटॉप नहीं आएगा, बट आपका लंच बॉक्स और छोटी वाटर बॉटल आराम से आ जाएगी. एंड इसके अलावा पीछे भी यहाँ पर एक पॉकेट दी हुई है इसमें, अगेन फॉर द ईजी एक्सेस. सो या, दिस इज़ द नेक्स्ट वन एंड आई रियली लव दिस बैग. इस बैग को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज ये उठाने में भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है. आप इसको शोल्डर में इस तरह से उठा के जा सकते हो. अगेन दिस गोज रियली वेल विद ऑल द इंडियंस एज वेल एज द वेस्टर्न आउटफिट्स. सो दिस इज़ माई मोस्ट यूज बैग एंड बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसको बहुत आराम से रफ एंड टफ भी यूज़ कर सकते हो, डेली में यूज़ कर सकते हो. सो या, दिस इज़ द नेक्स्ट वन. लास्ट वन इज़ नॉट एन ऑफिस बैग. ये मैंने बस ऐसे ही ख़रीद लिया बिकॉज मुझे बहुत क्यूट लगा, तो अब ख़रीदा है तो आपको दिखाना भी है ही. दिस इज़ द बैग. तो दिस इज़ एक्चुअली अ मोबाइल स्लिंग बैग. इसके अंदर सिर्फ मोबाइल और थोड़े से पैसे और कार्ड्स आप रख सकते हो. पीछे इसमें कार्ड्स के स्लॉट्स बने हुए हैं, तो आप इसमें भी रख सकते हो, नहीं तो अंदर भी रख सकते हो. इसमें इस तरह की ये पूरी जिप है, तो इसके अंदर बड़े से बड़ा वाला जो फ़ोन आता है वो आ जाएगा. प्लस इसके अंदर भी इस तरह के स्लॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप अपने कार्ड या फिर पैसे रख सकते हो. सो दिस एंड इसका प्रिंट देखो कितना क्यूट है. क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ ब्यूटिफुल. सो पहले मुझे लग रहा था कि ये, वैसे तो आई नो कि दिस इज़ प्रिटी गर्लिश, आई डोंट नो मेरे पे सूट करेगा कि नहीं करेगा, इस उम्र में मैं ऐसा बैग ले जाके कैसी लगूंगी, बट स्टिल आई लाइक इट बिकॉज बहुत बार ऐसी बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़ा बैग ले गए हैं, कहीं पर गए हैं, बड़ा बैग ले गए हैं एंड फ़ोन उसके अंदर गुम सा हो जाता है. तो जब कभी आप बड़ा बैग ले रहे हो तो आप इसके साथ फ़ोन के लिए अलग से ये ले सकते हो, या फिर आपको बिल्कुल बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सिर्फ आपको फ़ोन रखने के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो. एंड यूज़फुल भी बहुत है, आई एम रियली श्योर कि मैं इसको बहुत यूज़ करने वाली हूँ. सो या, दिस वॉज द लास्ट वन. सो या, दैट वॉज इट गर्ल्स. आई होप यू लाइक्ड देम एज मच एज आई डिड. मुझे तो बहुत पसंद आए अपने ये सारे बैग्स एंड नाउ आई हैव टू थिंक कि इन सारे बैग्स को मुझे रखना कहाँ है बिकॉज जगह नहीं है घर में रखने की. बट एनी वे, आई एम लविंग दैम. एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक का बटन दबा दें एंड सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल पर अभी तक नहीं किया है तो. एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू सून इन माई नेक्स्ट वन. बाय.